इस देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक, हर जाति धर्म के लोग जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, अंबेडकर, फुले साहू का आदर करते आए हैं। लेकिन हम में और उनमें ये फर्क है कि हमने कभी भी इनका नाम लेकर अपनी घटिया राजनीति नहीं खेले है, हमने कभी भी इनका नाम लेकर अपने राजनीतिक रोटियां नहीं हमने सीखी है जो ये आज कर रहे हैं करके। इनका क्या लेना देना है हमारे शहर से, उद्धव ठाकरे साहब का क्या लेना देना है? लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब का आपका मेरे जिले से, मेरे शहर से क्या लेना देना है करके? अगर आपको नाम बदलना था और इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है, तो आप आना चाहिए था हमारे शहर में, पूछना चाहिए था, लोगों की राय लेनी चाहिए थी करके। अरे तुम्हारी सत्ता है आज के दिन, लेकिन न्यूटन का लॉ अगर पढ़े होंगे, अगर तीनों पढ़े लिखे अगर होंगे, तो समझ लो जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना पड़ता है। तो अहम मुद्दों को छोड़कर आप यही मुद्दों के अंदर देश को भटका रहे हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ, नाम तो दे दिए हैं आपने छत्रपति संभाजी महाराज का, क्या मेरे शहर के लोगों की बेरोजगारी, नौजवानों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या किसानों की आत्महत्या खत्म हो जाएगी मेरे जिले से? क्या आज भी 8-8 दिन जो पानी मिलता है मेरे शहर के अंदर, 8-8 दिन सुनिए कान खोलकर, संभाजी नगर के शहर के अंदर 8 दिन के बाद पानी मिलता है? कल से रोज आने वाला है पानी, 2 टाइम आने वाला है पानी। बंद करिए अपनी घटिया राजनीति की वजह से आप बड़े बड़े जो महापुरुष है उन लोगों का नाम लेकर अपनी घटिया राजनीति बंद कर दीजिएगा। हम इन लोगों का आदर करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन अब एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि महिला का नाम अगर सोनूबाई है और उसके हाथ में अगर प्लास्टिक की चूड़ी है तो शोभा नहीं देता है, इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा, अब आपने नाम तो रख दिए है, अब आप ये चुनौती स्वीकारिए कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एक शहर बनाएंगे आप हमारे औरंगाबाद शहर को, औरंगाबाद शहर को। दूसरी बात यह है कि मैं औरंगाबाद की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है इनके पास आंकड़े हैं, इनके पास हुकूमत है, इनके पास सरकार है, ये चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं तो वो करे हैं उन्होंने, लेकिन औरंगाबाद पूरी तरह से अभी गया नहीं है। उन्होंने शहर का नाम औरंगाबाद रखा है या छत्रपति संभाजी नगर रखा है, लेकिन ज़िले का नाम अब भी औरंगाबाद ही है, तो कहीं खुशी कहीं पर। आपने मराठी तरुण के बारे में कहा, जो मराठी नौजवान हैं उनके बारे में कहा, उनका क्या हाल हो गया है, और यहाँ जो बीटी स्टेशन के बारे में आपने कहा। देखिए यहाँ से मैं बम्बई में खड़ा हुआ हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे आज भी अगर आप नौजवान नस्ल को पूछेंगे कि वो क्या है तो बताएगा कि अब बीटी स्टेशन है। लेकिन सिर्फ आपको अपने अहंकार और लोगों को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए आपने क्या किए तो उसका बोर्ड हटा दिए, बोर्ड हटाकर आपने बीटी स्टेशन का नाम हटा दिए और वहां पे कर दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आप बोर्ड बदल सकते हैं लेकिन इतिहास बदल नहीं सकते हैं। हम औरंगजेब को बहुत ज्यादा मानते हैं या हम है तो किसी का विरोध करते, ऐसा कुछ नहीं है, वो इतिहास का एक हिस्सा है। इतिहास अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन ये जो आपने शुरू किए हैं मुगल गार्डन, ये मुगलों के आर्टिफैक्ट के हिसाब से बनाया गया था, मुगलों के आर्किटेक्चर के हिसाब से, लेकिन सिर्फ एक सेक्शन को खुश करने के लिए मुगलों का। अरे हमें भी मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, मुगल था, एक इतिहास का हिस्सा था उसमें। आज तो मैं इस देश के अंदर रहता हूँ, ये देश के अंदर सभी का मैं आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, दोनों छोटी मोटी शिवसेना, सुप्रिया सुले ताई जैसी हो, जिन्होंने तो 8 दिन पहले तो प्लेन में जाते जाते फोटो कर डाली थी कि मैं संभाजी नगर से जा रही हूँ करके, आइए अब आप औरंगाबाद में आपका स्वागत करेंगे। अच्छी आपने G20 की बात की, क्या G20? देखिए आप G20 के लिए पूरे देश को चकाचक कर रहे हैं। मेरे अपने शहर के अंदर भी कुछ दिनों के बाद है तो 250 के करीब महिलाएं आने वाली है 20 देशों से, और उसको उनको दिखाने के लिए आपने मेरे शहर को चमका दिया है। मेरा यह कहना है कि ये 2 दिन के लिए आने वाली ये महिला इनके लिए इम्पोर्टेंट है, या मेरे शहर का वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो आम आदमी जिन्हें तुम्हें ये सत्ता की कुर्सी के ऊपर बिठाया है वो अहम है तुम्हारे लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए तुमने उनको दिखाने के लिए, झूठ दिखाने के लिए, उसके पर्दे के पीछे देखिएगा तो उस शहर के अंदर आज भी 8 दिन के बाद पानी मिलता है। मैं जाऊँ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बोलूँ कि ये जो आप देख रही है चकाचौंध,
ये झूठ दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब और ये यहाँ की सरकार की तरफ से। सच अगर देखना है तो मेरे साथ चलिए, शेतकरियों के पास मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे शेतकरी का परिवार जो है, जिसका शौहर जिसका बेटा आत्महत्या कर लिया है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है करते। मैं उनको असली चेहरा दिखाता हूँ औरंगाबाद का, कि जहाँ पर 1650 आज भी जिला परिषद के ऐसे स्कूल है कि जहाँ पर छत नहीं है, पक्की छत, टीम के नीचे बैठते हैं, टीम के शेड के नीचे बैठते हैं, तो गांव के बच्चे पढ़ते हैं। डेलीगेट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स, बोलिए कि हमारे पास है तो दो तरह के लोग जीते हैं, एक ये जीते हैं जिसका नकली चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं और एक असली चेहरा जो है वो इम्तियाज अली के साथ जाइए तो इम्तियाज अली दिखाएगा आपको। आपने कहा देवेंद्र फडणवीस से कि हम G20 का विरोध, ऐसे ये बता रहा हूँ, आपने अपना काम कर दिया है, अब हमारे जलवे देखिएगा क्या करें, हम भी क्या करेंगे, जाएंगे अभी। ऐसा नहीं है कि हर कोई ये है, इस मुल्क के अंदर मुझे आज़ादी है, मैं सरकार के किसी भी फैसले का विरोध कर सकता हूँ, न्याय प्रणाली है मेरे पास, मैं न्याय प्रणाली का बहुत आदर करता हूँ। उसके अंदर हम सड़क के ऊपर की लड़ाई जो है वो हमारी जारी रखेंगे और उसको भी दिखाएंगे, ठीक है ताकत तुम्हारी है अभी सरकार की, तो तुम करो उसके, लेकिन मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर लड़ाई तुम्हारे साथ लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे।